किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, वैसे तो मैं बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हूँ, पर आज मेरे साथ एक ऐसे किसान आए हैं कि आप सब मिलकर और उनकी व्यथा सुनकर, उनका साहस देखकर आप बहुत अचंभित होंगे। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ श्री ओमवीर सिंह जी से, जो टीकरी गाँव जिला बागपत के रहने वाले हैं और 5 साल से नींबू की खेती कर रहे हैं। ओमवीर सिंह जी ने करीब 5 साल पहले IRI से कुछ पौधे लाए थे और उन्हें IRI पूसा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो पूसा से पौधे लाए थे नींबू के। जब उन्होंने 2 साल बाद उसकी फसल ली तो उन्हें पता चला कि वो अचार वाला बड़ा नींबू है और उसकी बाजार में कोई कीमत नहीं है। किसान साथियों, कितना दुख होता है इस बात का देखकर। पौधे की कीमत की कोई बात नहीं है, लेकिन जब पौधा सही ना निकले तो क्या उस किसान पर गुजरती होगी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसके 2 साल बाद उन्हें लगाने के, जब उन्होंने उसको काट दिया पौधों को, तो सहारनपुर की एक बहुत मशहूर नर्सरी है जिसे आप सभी जानते होंगे और वो उनके गाँव के पास के ही हैं, उन्होंने उनसे पौधे लगाए और जब 2 साल बाद उसका भी रिजल्ट आया तो वो हैरान रह गए, खून के आंसू पी कर रह गए। उनका मजाक उड़ाने लगे गांव में लोग और उनको कहने लगे ये नींबू वाला है। किसान साथियों, एक दिन उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि त्यागी जी, मैं मरने से पहले, बहुत मुझे दुख हुआ कि मैं मरने से पहले एक नींबू का सुव्यवस्थित और अच्छा बाग लगाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अच्छे पौधे दे सकते हैं। तभी मेरी बुकिंग खुली हुई थी और आज वो मेरे बाग पर आए हैं 100 पौधे लेने के लिए, जिसमें से साई सरबती एक वैरायटी होगी। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ ओमवीर सिंह जी से और फिर उन्होंने आज मुझे एक इतनी अच्छा ज्ञान दिया। वैसे एक ज्ञान उन्होंने पहले भी दिया था, वो शायद भूल चुके होंगे, लेकिन मुझे याद है तो वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। आइए मिलते हैं ओमवीर सिंह जी। आपका हमारे फार्म पर बहुत स्वागत है और आज ये टीकरी गांव बागपत से पौधे लेने आए हैं अपने एक साथी के साथ में। आइए इनसे सुनते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। ओमवीर सिंह जी, आप बताइए। बस शुरू में दिल्ली से लाए थे जी, पूसा से 140 पेड़ लिए थे, वो 2 साल के बाद में जब फल लिया तो वो मोटा निकला, गलगल बोलते हैं जिसको, यानी अचार वाला, वो चल नहीं पाया, फिर उसको निकाल दिया। फिर एक सहारनपुर की वो है कोई नींबू बेचने वाला और उससे लिए तो उसका उससे भी बुरा हाल हुआ। हीरो ऑर्गेनिक नाम से वो चला रहा, उससे लिए, काफ़ी महंगे रेट में दिए, फिर उन्हें भी निकालना पड़ा, वो उससे भी बुरे गए। उसमें कम से कम 6 वैरायटी मिली हमें, ये हमारे साथ हुआ। अब देखो आपसे लेंगे। ओमवीर सिंह जी, आप पौधे किस प्रकार लगाते हैं, थोड़ा किसानों को ये भी बताइए। 15x15 पे पेड़ लगाते हैं हम। अच्छा, ठीक है जी। और उसके बाद में तो वही है, अपना हिसाब से डालते रहेंगे। नहीं, जो गड्ढा करते हैं कितना बड़ा गड्ढा करते हैं आप? हम 2x2 चौकोर करते हैं, बिल्कुल 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा, 2 फीट गहरा। अच्छा, उस गड्ढे में क्या डालते हैं आप? उसमें डालते हैं पोटास है, सुपर है। कितना कितना डालते हैं? वही करीबन सुपर तो 1 किलो के करीब डालते हैं। अच्छा, करीबन 20 किलो गोबर की खाद। अच्छा, 1 किलो पोटा, ये सुपर। अच्छा, और करीबन 200 ग्राम पोटास। हाँ, 100 ग्राम के करीब ये जिंक। अच्छा, और 1-2 आइटम और मिला के वो खड्डे को भर दें, और जो उसकी पीली मिट्टी है हाँ, उसे हटा के काली मिट्टी और ये गोबर मिला, ये सब मिला के उसमें भर दें, इस तरीके से लगा। तो आपको कितने साल बाद फल देना शुरू कर देते हैं पौधे? फल 2 साल के बाद। 2 साल के बाद। लेकिन हमारे जो पौधे हैं वो कहते हैं, जो CCRI के साइंटिस्ट हैं, कि 3 साल बाद आपको फल मिलेंगे इन पर। नहीं, फल तो वो भले 3 में कहूँ, मैं 2 से पहले ले दूँगा। चलिए, हम इनका चैलेंज स्वीकार करते हैं और 2 साल बाद मैं इनके बाग पर जाऊँगा और ये भी देखूँगा कि कैसे इन्होंने 2 साल बाद उस पर फल लिया।
इसका ऐसा जी, मेहनत जितने इंसान कर दे इसमें उतना ही जल्दी पौधा तगड़ा हो जाए और वो फल दे दे, ऐसी कोई बात नहीं है कि तीन ही महीने। किसान साथियों, अभी आपने सुना ओमवीर सिंह जी को, और आपने शायद ध्यान दिया या नहीं दिया, मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूँ, जो गड्ढे से पीली मिट्टी निकली उसको आप एक तरफ रख दीजिए, और जो दूसरी ऊपर की मिट्टी है कहीं की भी आसपास की, उसको आप खाद में मिलाकर डालिए। लेकिन जितनी खाद की मात्रा ये बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, ये ध्यान रखना कि नमी खेत में खूब होनी चाहिए और बारिश होने के बाद ही पौधे लगाने हैं। सुपर फास्फेट में गंधक होती है, और अगर गंधक में पानी की कमी रह गई तो बहुत प्रॉब्लम कर सकती है, ये आप ध्यान रखिए। किसान साथियों, एक बात मैं आजकल और नोट कर रहा हूँ, और मैं ये भी उस पर बताऊँगा कि किस इलाके में किस प्रकार की खाद का करें। जो खाद एक इलाके में या एक खेत में हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं दूसरे के खेत में उतनी खाद की आवश्यकता हो, इसलिए आप अपनी मिट्टी का टेस्ट अवश्य कराएं। किसान साथियों, आप सभी जानते होंगे कि हमारे यहाँ 50 किलोमीटर चलने पर पानी बदल जाता है, अन्न बदल जाता है, और उसके प्रभाव से हमारी वाणी भी बदल जाती है, बोलचाल बदल जाती है, यही ज़मीन का हिसाब है। तो अगर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में कोई काम हो रहा है, ज़रूरी नहीं वही मात्रा आपके राजस्थान या हरियाणा में हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आइए मैं थोड़ा सा अब आपको ये दिखाता हूँ कि जो मैंने नर्सरी बनाई है, पौधे आए हैं वो कैसे हैं, चलिए घूमते हैं नर्सरी। किसान साथियों, ये नर्सरी का जो बाहर का है हिस्सा है, और कुछ पौधे बाहर भी रखे हैं, अब मैं आपको थोड़ा क्लोजअप में दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरे पास, मुझे अंदाज़ा नहीं था, जगह नहीं था, अब तो कम हो गई। ये साईं सरबती का पौधा है, ये साईं सरबती है, और आप देखिए इस पौधे की हाइट, ये देखिए, ये इसकी थैली है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ इसको। ये देखिए जी, ओमवीर सिंह जी, आप बताइए कितना बड़ा होगा इसकी हाइट? इसकी हाइट होगी 3 फीट। ये 3 फीट बता रहे हैं, मैंने तो 2 फीट डरते डरते बताई थी, और इस थैली का वजन 2 किलो के करीब होगा। ये देखिए थैली, ये पौधा है, ये देखिए। ऐसा नहीं है कि सभी पौधे होंगे, वहाँ से जितने भी पौधे मिलते हैं वो लेने पड़ते हैं, ये भी है। मेरा मानना ये है कि पौधा स्वस्थ होना चाहिए, अगर वो थोड़ा छोटा भी है तो कोई बात नहीं। ये देखिए इसको, इसको ये देखिए, ये थोड़ा छोटा है पौधा। तो इस प्रकार जो पौधे हैं, जो अच्छे पौधे हैं वो किसान ले जाते हैं, जो छोटे हैं उनको मैं फिर बड़े कर लूँगा। ये भी साईं सरबती है, यहाँ पर रखा हुआ है, ये 2-3 दिन में सब समाप्त हो जाएगा। ये देखिए, इसमें अमरूद रखे हैं इस जगह पर, ये L49 की वैरायटी है, आप ध्यान से देखिए, ये NRCC 8 है, जो सामने नींबू लग रहे हैं, NRCC 8 है। किसान साथियों, रात बारिश हो गई, ये NRCC 7 है मेरे पास में कुछ पौधे, इससे अगला NRCC 8 है, यहाँ पर कुछ पौधे, ये ललित है, देखिए ये ललित है, कुछ पौधे मैंने केले के भी हैं, किसान आते हैं थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं, ये अनार है, और एक वैरायटी है उधर, मेरे पास 5 वैरायटी मिली हैं वहाँ से, ये फूले सरबती है, ये देखिए। किसान साथियों, जो कागजी नींबू है उसकी मैंने बताया था कि 11 वैरायटी हैं, ये थोड़े चीकू के पेड़ भी हैं, ये कटहल है, थोड़ा बेल है, बहुत थोड़े थोड़े 50-50, 100-100 पौधे हैं, मैं ज़्यादा नहीं ये काम करना चाहता था। ये संतरा है, बहुत अच्छा संतरा है ये, इसका, इसके भी मैंने 100 पेड़ मंगाए थे। और ये देखिए, ये L49 है, और ये मेरा फिर वहाँ पर बालाजी है, एक और है ये बालाजी पौधा, ये देखिए बालाजी। कुछ मेरे जो है ना आम के पेड़ हैं, ये देखिए, ये मेरे आम के पेड़ हैं, ये बांस है, ये मेरा एक स्ट्रक्चर है जो मैं बनवा रहा हूँ, इसमें मेरा खाद पानी सब चीज़ें रखी जाएंगी। और थोड़ी सी झलकी मैं अपने बाग की दिखाता हूँ, आज इसमें खाद डलवाना था, आप देखिए ये लाइन बनवाई है मैंने, मैं इस बार इस तरह से खाद डलवाऊँगा, और कारण सिर्फ ये हुआ कि रात बारिश हो गई,
पता नहीं आज खाद का काम हो पाएगा या नहीं। ये ताइवान पिंक है, जो कुछ आज चला जाएगा थोड़ा सा बचेगा। ये किसान साथियों, एक बात मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि मैंने ये देसी नींबू की बाड़ लगाई थी, आप देखिए अंदाजा करिए। ओमवीर सिंह जी आइए जरा इसके पास, हाथ खड़ा करिए। ये 2 साल का है, देखिए कितनी ऊंची बाड़ हो गई। मैंने थोड़ी कटिंग कराई थी, होगी 7 फुट की है। हाँ जी, ये 7 फुट का हुआ है। ये देखिए ये हाथ लगा रखा है इन्होंने। ओमवीर सिंह जी की अच्छी हाइट है, ये बाड़ बन गई मेरी। और ये इधर नींबू का है, ये अमरूद का है, ये मैं फिर दिखाऊंगा आपको। किसान साथियों, इसी के साथ विदा लेता हूँ, एक बात के साथ। हमारा इरादा किसी को गिराना नहीं है, किसी को उठाना नहीं है। हमारा इरादा सिर्फ एक है कि किसानों की सहायता करना, किसानों को शिक्षित करना। पौधा आप 100 रुपये का दीजिए, 500 रुपये का दीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पौधा जिस जो आपने दिया है उस पर उसी प्रकार के फल आए हैं, मेरी सिर्फ इतनी विनती है। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।